नमस्कार, मैं पूजा प्रिया, लाइफ स्टेज गैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपने अचानक से कोई अजीबोगरीब आवाज सुनी हो, अचानक से सुनाई देने वाली इन आवाजों को ज्यादातर लोग अनसुना कर देते हैं। लेकिन यदि आवाज अगर रात के सन्नाटे में सुनाई दे जाए तो हर कोई घबरा जाता है। ये आवाजें अचानक से सुनाई देती हैं और फिर अचानक से बंद भी हो जाती है। कई लोग घबराकर कमरे की लाइट जला देते हैं, वहीं कुछ लोग इन आवाजों का पीछा करना शुरू कर देते हैं ये जानने के लिए कि ये आवाज आ कहां से रही है। लेकिन जब ये आवाजें एक निश्चित समय पर आए तो उनका तो पीछा करना चाहिए और ना ही कमरे की लाइट चालू करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय में आने वाली ये आवाजें किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत देती है। वहीं कुछ आवाजें हमारे लिए शुभ संकेत भी लेकर आती है, साथ ही ये भी संकेत देती है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन आवाजों के बारे में। मान्यताओं के अनुसार यदि रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसी आवाजें आपको ये मतलब देता है कि आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है, ऐसे में हरि राम बोलते हुए सो जाए। दूसरा, अक्सर रात में पायलों की आवाज सुनाई देता है। पायलों की आवाज सुनाई दे तो कोई भी डर जाता है, लेकिन यदि आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायलों की आवाज सुनाई दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। इस समय अगर पायलों के चलने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। कहा जाता है कि यदि ऐसी आवाजें सुनाई दे तो भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाए। गिदर या बिल्ली की आवाज़, गिदर या बिल्ली के रोने की आवाज़ों का सुनाई देना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यदि कभी आपको रात में गिदर के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो इसका संकेत है कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है या कोई दुर्घटना होने वाली है। कुत्ते की आवाज़, यदि रात में कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास या किसी बुरी आत्मा का साया है, क्योंकि बुरी आत्मा सिर्फ कुत्ते को ही दिखाई देती है। जी हाँ, तो ये सारी वो आवाजें थी जो अक्सर आप रात में सुनते होंगे, क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि जब हम रात में सो रहे होते हैं अचानक से या तो कुत्ते की रोने की आवाज़ या फिर बिल्ली की रोने की आवाज़ें हमें सुनाई देती है। लेकिन जब आपको ये आवाज़ें सुनाई दे तो आप समझ जाएं कि आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन अगर आपको बांसुरी की, घंटी की या फिर पायल की आवाज़ें सुनाई दे तो आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, क्योंकि अक्सर लोग पायल की आवाज़ों को भूत और प्रेत आत्माओं से जोड़कर देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 12 बजे के बाद अगर आपको भी पायलों की आवाज़ अक्सर सुनने को मिलती है तो आप मन ही मन खुश हो जाएं और माँ लक्ष्मी को याद करके सोएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके घर में उस वक्त प्रवेश कर रही होती है और आपके जीवन में धन धान्य सुख संपत्ति सब कुछ आने वाला होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।